मुंबई के चांदीवली विधानसभा है जहाँ पर खड़े हैं और हमारे साथ बीजेपी के कुछ नेता हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग झंडा लहरा रहे हैं और जय श्री राम के जयकारे लगा रहे हैं, यहाँ पे ढोल बज रहे हैं, तो इस तरह से लोग जश्न मना रहे हैं। मैं बात करूँगा कि आपको कितना आज खुशी हो रही है उत्तर प्रदेश में बाबा जी का बुलडोजर पे चल गया है? हमको तो बहुत बड़ा खुशी हो गया है, क्योंकि हम लोग तो जीतने वाला था चार स्टेट में, लेकिन इतना भरगोज यूपी में मेन हम लोग को सर्वे में बताया था 200 मिलेगा, 250 मिलेगा, आज 250-300 सीट मिले लाए। वन साइड हम लोग बीजेपी आया और उधर कांग्रेस जीरो हो गया, चारों स्टेट में कांग्रेस जीरो। मोदी का जो सपना था, इंडिया के लोगों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत, वही हो गया आज। आप देख रहे हैं कि लगातार माता की जय, जय श्री राम लगा रहे हैं लोगों के अंदर, इतना उत्साह है कि आप जहां भी जाएंगे आज बीजेपी कार्यालय में आपको ढोल लगा रहे ताशों के साथ, वहां पे जश्न मनाई जा रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है। तो मिला ला मैं यहां पे, आप देख सकते हैं कि कितना शोर शराबा है, लोग उत्साहित है। और सर जी, ये मुझे ये बताइए कि जिस तरह से चुनावी माहौल चला था, लोग साइकिल दौड़ रही थी, हाथी दौड़ रहा था वहाँ पे, और उसके बाद पंजाबी प्रियंका गांधी डोर टू डोर वहाँ पे प्रचार कर रही थी, तो उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाथी पंजा ये सब पानी में डूब गए, और कमल खिल गए पानी से, तो हर जगह इंडिया का पब्लिक को मालूम है खाली कमल खिलना है और कमल को ही मोदी को, जब तक मोदी रहेगा कोई पार्टी आने का चांस नहीं होगा, सब लोग डूब ले पानी में। शिवसेना ने भी वहाँ पे अपने कैंडिडेट खड़ा किए थे। अरे जितना नोटा का वोट मिला ना, उतना शिवसेना को नहीं मिला, उतना शिवसेना को वोट नहीं मिलेगा। 120 ऐसा वोट मिला। अभी महापालिका अगर उन लोगों पे दम है तो कल का कल महापालिका करो, 236 का 236 नगर सेवक मुंबई महापालिका में भाजपा चुन जाएगा। इस बार चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं था, मुंबई में भी उसके जश्न मनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आगामी महानगर पालिका चुनाव को लेके भी बहुत सारी तैयारियां चल रही है, लेकिन लोग अभी वो टल चुका है अक्टूबर तक, फिलहाल लोग इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे शिवसेना, जब से महानगर पालिका बनी है शिवसेना ही बैठी है, तो शिवसेना के कामों को आप किस तरह से देखते हैं यहाँ पे मुंबई में? 5 साल मैं भी बीजेपी का कारपोर्टर रहा, 27 साल मुंबई महापालिका का सभा है, महापालिका का सत्ता है मुंबई महापालिका में, लेकिन उन लोग 20-25% कमीशन लेने का ही काम किया, बाकी उन लोग का मुंबई का कुछ भी विकास किया ही नहीं, वही है। और इसके लिए मुंबई महापालिका जब भी चुनाव होगा, मुंबई महापालिका बीजेपी के हाथ में पब्लिक ऑटोमेटिकली रहने वाला है, क्योंकि मुंबई को जनता को बहुत तकलीफ हो रहा है। अगर 4 महीना बारिश का देखेगा तो पूरा तकलीफ ही तकलीफ है, कोई नाला गटर कभी भी साफ सफाई नहीं हुआ। ज्यादातर मैंने देखा है कि यहाँ पे जितनी भी सड़कें, आप किसी भी सड़क पे निकलिए तो बिना मतलब हर 2 मिनट की दूरी पे आपको एक गड्ढा मिल जाएगा, तो उस पर आपका क्या कुछ कहना है, उस पर क्या कुछ कहना है? गड्ढा के लिए टेंडर तो बहुत बड़े बड़े निकलते हैं, लेकिन उन्हें टेंडर का पैसा कहाँ जाता है शिवसेना वाले को पूछो आप। टेंडर तो बहुत निकला, अभी भी टेंडर बहुत पास हो गया है 7,000 करोड़ का, लेकिन वो पैसा किधर जाता है वो शिवसेना वाले को आप पूछो। शिवसेना की जमानत उत्तर प्रदेश में जब्त हो गई है, तो अभी मुंबई में क्या होने वाला है आने वाले आगामी मनपा चुनाव में? उन लोग का जो 96 सीट ज्यादा वो 26 भी सीट आने वाला नहीं, ये वादा। ओनली बीजेपी आएगा मुंबई में, कांग्रेस तो जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भगवा लहर चुका है उत्तर प्रदेश में और मुंबई में